हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको भी MI 360 डिग्री कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन शो हो रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो आज की वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो कभी कभी ISP रूटर होता है, उसमें ये इशू आ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे यूज़र को। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं रीज़न बताऊंगा, पहले इस प्रॉब्लम आती है उसके रीज़न बताऊंगा। तो आपको पहले मैन्युअली चेक करना है और वहाँ पे पोर्ट पे देखना है, पोर्ट को ओपन करके देखना है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कभी कभी कुछ पोर्ट होते हैं, यहाँ पे आपका कैमरा फिक्स होता है, वहाँ पे आपको एक बार चेक करके देखना है। और आपको जो इसका रूटर हो उसको चेंज करना है, कि रूटर चेंज करके देखना है। कभी कभी रूटर में इसके प्रॉब्लम आ जाती है, पर IP एड्रेस को मैं चेंज करिएगा। और जब ये ऑनलाइन शो होगा तो लोकल नेटवर्क होता है, उसमें पिंग बहुत ज़्यादा होती है कैमरे में, तो पिंग की वजह से यहाँ पे आप कैमरे में आप देख नहीं पाओगे, तो इसी कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया था इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें IP एड्रेस और रूटर को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि आपको जो कैमरा ऑफलाइन शो होता है तो कैमरा रिस्पांस नहीं देता, तब ये शो होता है कि कैमरा आपका ऑफलाइन है। ये क्यों ऑफलाइन शो होता है कि आपके कैमरे में पिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मैं एक IP एड्रेस में ज्वाइन था और इससे ये डायरेक्टली एक रूटर से कनेक्ट था और मेरे इसके साथ एक स्मार्ट TV था, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको इसको थोड़ी देर क्या करना है, रिस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर आपको रूटर इसका चेंज करना है। रूटर इशू आता है जिसकी वजह से मेनली ये प्रॉब्लम आती है। तो होप करता हूँ कि सारी क्वेरी सॉल्व होगी होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।